थोड़ी देर पहले यहां करीब 27,000 साथियों को उपकरण दिए गए हैं। किसी को ट्राइसिकल मिली है, किसी को सुनने की मशीन मिली है, किसी को व्हीलचेयर मिली है। मुझे बताया गया है कि यहां इस सामाजिक अधिकारिता शिविर में अनेक रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। ये उपकरण आपके जीवन से मुश्किलें कम करने में कुछ मदद करेंगे और मैं मानता हूं कि उपकरण आपके बुलंद हौसलों के सहयोगी भर है। आपकी असली शक्ति तो आपका धैर्य है, आपका सामर्थ्य है, आपका मानस है। आपने हर चुनौती को चुनौती दी है, आपने मुश्किलों को मात कर दिया है। आपका जीवन अगर कोई बारीकी से देखे तो हर पल, हर डगर हर किसी के लिए प्रेरणा का कारण है। मैं आज आप सभी दिव्यांगजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, स्वस्ति ही प्रजाभ्यः, स्वस्ति ही प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषाः। यानी सरकार का ये दायित्व है कि हर व्यक्ति का भला हो, हर व्यक्ति को न्याय मिले। यही सोच तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र का भी आधार है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार समाज के हर व्यक्ति के विकास के लिए, उसके जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है। चाहे वो वरिष्ठ जन हो, दिव्यांग जन हो, आदिवासी हो, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित हो, 130 करोड़ भारतीयों के हितों की रक्षा करना, उनकी सेवा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विशेषकर दिव्यांग जनों की तकलीफों को जिस तरह इस सरकार ने समझा है, उनके लिए जिस संवेदनशीलता से काम किया है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। आप भी याद करिए, मेरे दिव्यांग भाई बहनों को पहले यहां वहां के दफ्तरों में हफ्तों तक चक्कर लगाना पड़ता था, तब जाकर थोड़ी बहुत जरूरी मदद उन्हें मिल पाती थी। आपकी तकलीफ, आपकी समस्या जिस गंभीरता से सुनी जानी चाहिए थी, उस पर ध्यान भी नहीं दिया गया। दिव्यांग भाई बहनों को बेसहारा छोड़ देने वाली पहले की स्थिति हमें स्वीकार नहीं थी। हमने आपके साथी बनकर, सेवक बनकर आपकी एक एक दिक्कतों के बारे में सोचा और उन्हें दूर करने का प्रयास किया है।